हेलो। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो है डेटाबेस की कीज़ के ऊपर। क्वेश्चन है व्हाई कीज़ आर इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनल मॉडल, राइट अबाउट द कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट एंड फॉरेन कीज़। सबसे पहले देखते हैं कि की होती क्या है। सो द कीज़ आर इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है? एज दे आर यूज टू एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स एंड ऑल्सो टू यूनिकली आइडेंटिफाई या रिकॉर्ड रॉ इन अ टेबल। तो इसके दो एडवांटेज हो गए, एक तो रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम करती है ये, और एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करती है किसी रिकॉर्ड को या फिर रो को। अब इसमें देखो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर एम्प्लॉय टेबल की हम बात करते हैं तो इसमें जो एम्प्लॉय आईडी होती है ये एक की है, ये बेसिकली कौन सी है, प्राइमरी की है। अब दो एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं होगा तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है। ऐसे ही अगर हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो टेबल लेते हैं तो जो डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी की होती है जो कि इसकी प्राइमरी की है वो यूज़ होती है इसके अंदर एज फॉरेन की। तो अब क्या हुआ, ये वाली जो की है इसकी प्राइमरी की यहाँ पे एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही है। की क्या कर रही है, एस्टेब्लिश कर रही है एक रिलेशनशिप को। ये दो इसके आपको मैंने बता दिए इंपॉर्टेंस किस लिए होती है। अब देखते हैं कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, ऑल्टरनेट ऑफ फॉरेन की क्या होती है। सबसे पहले कैंडिडेट की, दे आर द मिनिमल सेट ऑफ फील्ड्स डेट आर एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई आर रिकॉर्ड। सिंपल एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं यहां पर, एम्प्लॉय टेबल का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपके पास क्या क्या है, एक एम्प्लॉय आईडी होता है एट्रीब्यूट, एक एम्प्लॉय नेम होता है और एक डिपार्टमेंट आईडी होता है, लेट अस से मोबाइल नंबर हमने स्टोर करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो कैंडिडेट कीज़ कौन कौन सी हैं, मिनिमल सेट हमें पता करना है। मिनिमल सेट कौन कौन सा यूनिक आइडेंटिफाई कर देगा, एम्प्लॉय आईडी कर देगा और मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं, किन दो लोगों का मोबाइल नंबर सेम नहीं होता जनरली। तो यहाँ पे दो कैंडिडेट कीज़ मेरे पास आ गई, एम्प्लॉय आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। दीज आर दी कैंडिडेट कीज़। देन प्राइमरी की, वन ऑफ द कैंडिडेट की चूजन एज प्राइमरी की बाय द डीबीए। तो डैट मीन्स अगर इन दोनों में से डीबीए ने इसको चूज कर लिया एम्प्लॉय आईडी को तो एम्प्लॉय आईडी क्या बन जाएगी, अब प्राइमरी की, ठीक है। इन दो कैंडिडेट की में से डीबीए ने किसको चूज करा, एम्प्लॉय आईडी को, तो एम्प्लॉय आईडी क्या बन गई, प्राइमरी की। देन अल्टरनेट की इज, जितनी भी कैंडिडेट कीज थी उसमें से अगर हम प्राइमरी की को हटाते तो बाकी सब क्या बच जाएंगी, अल्टरनेट की। सो दैट मीन्स अब ये जो मोबाइल नंबर है एक, ये प्राइमरी की नहीं बनी तो इसी को हम बोल सकते हैं अल्टरनेट की भी, ठीक है। देन फॉरेन की, फॉरेन की क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप विद अनदर टेबल। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि एक टेबल की प्राइमरी की होती है, एक्ट करती है एज फॉरेन की इन अनदर टेबल। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, फॉरेन की, ठीक है। अगर मैं फॉरेन की का आपको बताता हूँ, पूरा बना के दिखा देता हूँ एक बार। लेट अस से हमारे पास कुछ इस तरह से हैं, एक एम्प्लॉय आईडी है उसका नाम ए है, ये D1 है। एक और एम्प्लॉय आईडी है इसका नाम बी है, ये भी D1 में है। एक एम्प्लॉय आईडी है जिसका नाम सी है, ये D2 में है। अब देखो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है ये यूनिक नहीं है, बट इसका जो डोमेन होगा वो कहाँ से होगा, डिपार्टमेंट आईडी टेबल्स से। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी और सपोज डिपार्टमेंट नेम। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी एज ए प्राइमरी की होगी, तो यानी ये हो सकता है सिर्फ D1 और D2 होगा। HR फाइनेंस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू YouTube चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।